हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल वीपी स्टडी पॉइंट। तो आज जो हम हमारा चैप्टर कर रहे हैं वो है प्लांट किंगडम, और इसमें आज हम करने वाले हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मेनली वो थोड़ा सा पीछे वाले पेज पे रह गया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, वो क्या है हमारा, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। यू कैन सी हेयर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वन और अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो एक या एक से या फिर बहुत कम जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उन पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन वन और मोर और सॉरी वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होती है हमारी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे क्या होता है मेनली जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं तो अपने आप ही होंगे हमारे नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होगा। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं तो नॉन सेक्सुअल होंगे खुद ही, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर है तो क्या है स्टेमन बॉल होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन के जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें जो है कंट्रीब्यूशन किसका था, तो जो थियोफ्रेस्टस है वो क्या है, वो है फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस है उनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। और जो क्लासिफिकेशन उनके थ्रू की गई थी वो क्या थी, हर्ब्स थी, अंडर शर्ब्स थी एंड ट्रीज ट्रीज थे, ये चार क्लासिफिकेशन उन्होंने की थी, हर्ब्स, अंडर शर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, ये सारी, और ये चारों की चारों क्लासिफिकेशन थी जो हमारी ये की थी थियोफ्रेस्टस ने। सेकेंड कंट्रीब्यूशन जिसका रहा है वो है हमारे कार्लस लिनियस, एंड जो थर्ड कंट्रीब्यूशन रहा है वो है हमारे एरिस्टोटल। देन वी हैव ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक क्या थे कि इसमें जो करेक्टर थे ना वो लिमिटेड करेक्टर थे, किसके अंदर, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर, कोई भी फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी नहीं थे। और जो इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर, उन्होंने क्या क्या था, इक्वल वेटेज देती थी, किसको दे दी थी इक्वल वेटेज, वेटेज वेजिटेटिव को और सेक्सुअल करेक्टर्स को। अभी वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया उसको एक इक्वल वेटेज दे दी थी। और जो वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं आर लाइबल टू चेंज, और जो वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो इतनी जल्दी चेंज वो चेंज नहीं होते हैं। तो ड्रॉबैक्स हो गए हमारे पास क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर है कभी भी चेंज हो सकता है, तो इससे हमें दिक्कत आ सकती है। तो सिर्फ आज हम जो है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को ही पढ़ेंगे, जो है क्या एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर डिपेंड करते हैं, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर होता है। कंट्रीब्यूशन इसमें हमारे थियोफ्रेस्टस ने दिया था, कार्लस लिनियस ने, एरिस्टोटल ने, देन ड्रॉबैक्स पढ़े, लिमिटेड कैरेक्टर है, फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही नहीं है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दी गई, और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।